27 जनवरी 2019 को पहली बार हम मिले थे रॉयल होटल में। हमारे बीच में लगातार बातचीत होती थी। मैं रहता था लखनऊ में, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है सर, एलएनटी का वेंडर हूँ मैं। इस दौरान लगातार मिलते रहे लड़की और मैं। लड़की ने मेरे को बोला शादी करनी है, उसने मेरे साथ शादी भी की, गंधर्व विवाह किया, होटल के कमरे में ही किया, होटल रॉयल में। उसके बाद जी लगातार हम मिलते रहे। राजेश झांगरा सब इंस्पेक्टर थे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उस टाइम, वो लड़की के घर गए 6 या 7 अगस्त को गए होंगे शायद 2019 को। उसने लड़की वालों को ज्ञान दिया कि आप लड़के पे रेप का केस कर दो, आप लोगों का बचाव हो जाएगा। पुलिस वालों ने आए मेरे घर, बोले जी ये क्या मैटर है। मैंने बोला जी 15 लाख लड़की मांग रही है, मेरे को उसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जी पुलिस स्टेशन ले गए और अंदर जाते मेरे को अरेस्ट कर दिया। मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे पापा मम्मी बाहर गए हुए थे। सर को फ़ोन किया, सर को फ़ोन नहीं करने दिया, मेरा फ़ोन छीन लिया SHO ने और रणवीर सिंह ने। मेरे को जी मारा पीटा, मेरी उंगली भी तोड़ रखी है पुलिस वालों ने। होटल रॉयल में मिलते थे लगातार, 4 बार तो वहीं मिले थे होटल रॉयल में, 4-5 बार अनाज मंडी अन्नपल के बाहर। लड़की ने वही होटल दिखाया, कानून के हिसाब से FIR भी सेक्टर 29 में होती है। पुलिस ने पैसा खा के जानबूझ के मेरे को फंसाने के लिए मॉडल टाउन में करी। 15 लाख मांगे इनके, हमारे टाउनशिप में भी इनके रिश्तेदार हैं, उनके थ्रू डिमांड हुई थी। नाम नहीं ले सकता जी मैं, पानीपत कोर्ट का एक वकील है जिसके द्वारा मेरे ऊपर केस दर्ज कराया गया, रिश्तेदार है जी उसकी। नाम नहीं ले सकता जी मैं उसका, एविडेंस भी है मेरे पास उसके खिलाफ। मेरे घर जाके मेरे माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते थे मॉडल टाउन थाने वाले। और जी मैं एक बार गया था अपना यहाँ पे, ये DSP साहब हैं सैनी साहब, जांच चल रही थी जी 15 लाख की, ऑन रिकॉर्ड है जी। मैंने CCTV फुटेज की डिमांड की थी और मैंने उसकी कंप्लेंट भी की थी। बोला मैं नहीं करता FIR दर्ज, सारे सबूत है फिर भी नहीं करता, तेरे बस में जो हो तू करके दिखा दियो। बाइक पे लेके गए, ऑन रिकॉर्ड है जी। अगर आप जेल में किसी को लेके जाओगे छोड़ के आओगे, ऑन रिकॉर्ड होता है कौन से व्हीकल में लेके गए। मेरे को बाइक पे क्यों लेके गए, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता था। करनाल तक जी। फैसले से जी बिल्कुल खुश हैं सर, बरी हो गया, बिल्कुल बरी कर दिया, बरी कर दिया सर। हर लड़की का सबसे फर्स्ट सवाल तो ऐसा कोई अक्रेंस का ऑफेंस का डेफिनेशन ही नहीं है। इसमें 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, 328 पॉइजन भाई, मुझे जहरीली चीज खिलाकर मुझे ले जाकर होटल में मेरे साथ रेप किया। ऐसी कोई एविडेंस कहीं नहीं आई कि कहीं कोई पॉइजनस चीज इस लड़की को दी गई हो या कोई रिपोर्ट हो या कोई फैक्ट्स हो, क्योंकि वो चीज। उसके बाद इन्होंने 376 लगाई, 376 में भी कहीं भी कोई भी प्रेशराइज उससे रेप नहीं किया गया किसी पॉइंट पे भी। अगर उस डेट पे किया गया था तो उस लड़की ने ये FIR 6 महीने कि मुझे 15 लाख दे दो, आपके लिए 15 लाख कुछ नहीं है, 15 लाख से हमारी शादी चल जाएगी और हमारा परिवार चल जाएगा, इस बात की बिना पर वो 15 लाख ये अरेंज नहीं कर पाए। इन्होंने कंप्लेंट थाना सेक्टर 29 में दे दी, वो दी थी हमने 30/7/2019 को और ये मुकदमा दर्ज हो गया 11/8/2019 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह। पानीपत कोर्ट का एक और अहम फैसला जो है वो सामने आया है। पिछले दिनों कोर्टें बड़ी सख्त हुई थी और कई मामले हमने वॉइस ऑफ पानीपत पर दिखाए थे, इस बार फिर पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ आदेश दिए हैं एक्शन लेने के, और क्या है वो पूरा मामला, मेरे साथ पीड़ित हैं। मामला आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, कुछ साल पहले जो युवक बैठा हुआ है मेरे साथ, आप इनको देख सकते हैं, एक लड़की से मुलाकात होती है, दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद उस वही लड़की जो है इसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाती है। मामला 2-3 साल ये कोर्ट में चला और ये अब जो है बरी हो चुके हैं। बरी होने के बाद अब वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव हैं और पूरी कहानी जो है इनके मुँह से सुनते हैं, ये पूरा मामला क्या था। पिछले साल 2 साल पहले मेरे ऑफिस में भी आए थे आप इसी बात को लेकर। क्या मामला था, कैसे मुलाकात हुई आपकी उस लड़की की, उस लड़की का नाम लेना चाहें, घर का एड्रेस बताना चाहें, क्योंकि अब वो एक्यूज्ड मेरे ख्याल अब उसके खिलाफ मामले तो दर्ज हो सकते हैं क्योंकि आप बरी हो इस सारे मामले में। सर जनवरी 2019 में लड़की जी से बातचीत शुरू हुई थी, उसी ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया था और 27 जनवरी 2019 को पहली बार हम मिले थे रॉयल होटल में। हमारे बीच में लगातार बातचीत होती थी। मैं रहता था लखनऊ में, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है सर, एलएनटी का वेंडर हूँ मैं। इस दौरान लगातार मिलते रहे लड़की और मैं। लड़की ने मेरे को बोला शादी करनी है, उसने मेरे साथ शादी भी की, गंधर्व विवाह किया, होटल के कमरे में ही किया, होटल रॉयल में। उसके बाद जी लगातार हम मिलते रहे। इनके घर वालों ने पैसे की डिमांड शुरू कर दी मेरे साथ कि 15 लाख रुपए दोगे तो शादी करेंगे, ये है वो है। मेरा व्हाट्सएप की चैट भी थी। फिर मैं त्रेन सर के पास गया,
इन्होंने एप्लीकेशन तैयार की, थाने में देके आया 29 सेक्टर में, 29 सेक्टर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। राजेश झांगरा सब इंस्पेक्टर थे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उस टाइम, वो लड़की के घर गए 6 या 7 अगस्त को गए होंगे शायद 2019 को। उसने लड़की वालों को ज्ञान दिया कि आप लड़के पे रेप का केस कर दो, आप लोगों का बचाव हो जाएगा। लड़की वालों ने राजनीतिक संबंध थे इनके, इन्होंने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करते हुए SHO मॉडल टाउन से संपर्क किया और जी मेरे ऊपर झूठे FIR दर्ज करा दी थी, जिस थाने में हो ही नहीं सकती थी। और जी मेरे को पुलिस वालों ने आए मेरे घर, बोले जी ये क्या मैटर है। मैंने बोला जी 15 लाख लड़की मांग रही है, मेरे को उसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जी पुलिस स्टेशन ले गए और अंदर जाते मेरे को अरेस्ट कर दिया। मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे पापा मम्मी बाहर गए हुए थे। सर को फ़ोन किया, सर को फ़ोन नहीं करने दिया, मेरा फ़ोन छीन लिया SHO ने और रणवीर सिंह ने। मेरे को जी मारा पीटा, मेरी उंगली भी तोड़ रखी है पुलिस वालों ने। मैंने पर्चा भी एप्लीकेशन भी दी थी ह्यूमन राइट्स में। लगातार हम कंप्लेंट करते रहे, मेरे जेल जाने के बाद सर भी, रंजीत त्रेन सर भी लगातार कंप्लेंट लिखते रहे, CM विंडो, ह्यूमन राइट्स, प्रधानमंत्री कार्यालय, हर जगह लिखी जी। पुलिस ने कुछ नहीं किया हमारी उस पर। सर सारे एविडेंस लेके जाते रहे उनके पास, मेरे घर वाले जाते रहे। फिर जी मेरे जमानत में बाहर आया, उसके बाद जी मैंने भी लिखी लगातार कंप्लेंट्स। इस केस में एक और आरोपी था जी, कप्तान सिंह, जो लड़की का सगा मौसा था, सुनील कुमार। SHO ने लड़की वालों से इतना मोटा पैसा ले रखा था, इतनी मोटी सेटिंग थी, उस आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया था, वो भी जी त्रेन सर ने उठवाया एप्लीकेशन। अभी वो एविडेंस बाद में देखेंगे। अभी जो आपका प्यार मोहब्बत वाला मामला था जी सर, बाद में आपके शारीरिक संबंध भी बने होंगे सब है सर उस लड़की के साथ, एविडेंस है, शारीरिक संबंध भी आपने, ठीक है। और उसके बाद फिर कौन से होटल में आप लोग, इन्होंने जो FIR में लिखा, कौन से होटल में दिखाया सर, और होटल पहले वो शारीरिक संबंध कितनी बारी आपने बनाए, क्योंकि सच जानना जरूरी है। लगातार थे सर वो, तो होटल रॉयल में मिलते थे लगातार, 4 बार तो वहीं मिले थे होटल रॉयल में, 4-5 बार, अनाज मंडी अन्नपल के बाहर लड़की ने वही होटल दिखाया। कानून के हिसाब से FIR भी सेक्टर 29 में होती है। पुलिस ने पैसा खा के जानबूझ के मेरे को फंसाने के लिए मॉडल टाउन में करी, इन्होंने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन आई हुई है सर, 0 FIR की, कुछ भी नहीं किया ना ही मेरे से इन्वेस्टिगेशन की। मेरे पास सारे सबूत हैं सर, वो फाइल खड़ी आप देख लीजिए। तो दुष्कर्म का केस कैसे बन गया, जब आप लोगों की दोनों की पति पत्नी की सेटिंग नहीं थी कि हम लोग एक दूसरे के लिए जिएंगे मरेंगे। 15 लाख रुपये की डिमांड हो रही थी लगातार। कौन कर रहा था? लड़की के घर वाले। आप क्या करते लड़की का? लड़की का आप दिहाड़ी मजदूरी करता है। दिहाड़ी मजदूरी वाले की पुलिस के साथ इतनी मोटी सेटिंग कैसे हो गई? सरपंच है सर उसका ताऊ। अच्छा। वही गया था सर, मेरे का बाद में भी बोला, मेरे घर भी जाते थे, पैसे दे दो लड़का बाहर निकाल देंगे, लेकिन त्रेन सर ने बोल रखा था मैं बेटा तेरे को बाहर निकाल दूंगा, केस लड़ेंगे। 15 लाख मांगे इनके, हमारे टाउनशिप में भी इनके रिश्तेदार हैं, उनके थ्रू डिमांड हुई थी, नाम नहीं ले सकता जी मैं। पानीपत कोर्ट का ही एक वकील है जिसके द्वारा मेरे ऊपर केस दर्ज कराया गया, रिश्तेदार है जी उसकी, नाम नहीं ले सकता जी मैं उसका। एविडेंस भी है मेरे पास उसके खिलाफ, जिसमें लड़की की माँ कह रही है तू नहीं जानता, मेरा देवर लगता है वो वकील, तेरे को अंदर करा के मान लो। ये पूरा जो ग्रंथ है ये व्हाट्सएप चैट है, लड़की और मेरी, ये इसके व्हाट्सएप चैट हो रही है जी सर, ये व्हाट्सएप चैट बचा गया आपको, ये व्हाट्सएप चैट, वो व्हाट्सएप चैट। और जी मैंने पहले एप्लीकेशन दे दी थी, मेरे से डिमांड हो रही थी कायदे से जी, मैं विक्टिम था और मुझे पुलिस ने एक्यूज बना दिया। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये सर व्हाट्सएप चैट है, ये कुछ अश्लील व्हाट्सएप चैट है, हम लोग TV पर नहीं दिखा सकते, इसको साइड में लग, इस चीज़ों में दोनों में क्या चीज़ें हैं? ये देखो सर मैं दिखाता हूँ, मैंने पूरा बना रखा है। लड़की से बात होती है 7 जनवरी 2019 को शुरू, 4 दिन बाद ही डिमांड शुरू हो जाती है गिफ्ट्स वगैरह की, आप देख लीजिए। इसका बॉयफ्रेंड था सोमेश नाम का। अच्छा, आपकी पत्नी का एक और बॉयफ्रेंड? हाँ, पहले से ही इसके घर तक मैं पता था। ये देखो जी मैं आपको चैट में दिखा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है उससे बोल दे सैम ने मुझको किस किया, अश्लील चैट है। सैम लड़की का नाम, अश्लील चैट, तूने लिप कैस किया, मैं पूछ रहा हूँ इससे। हाँ,
27 जनवरी को। ये आपको कब पता लगा कि उसका बॉयफ्रेंड? 27 जनवरी को होटल में मिलने की बात चल रही है यार, 27 को पता नहीं मेरी माँ उसके साथ भेज दे, उसका साथ मतलब सैम के साथ। अब जी ये देखो जी, लड़की में से 2000 रुपये मांग रही है कमरे में चलने के नाम के, आपको दिखा रहा हूँ जी, मुझे ड्रेसेस लेनी है, आप पूरा पढ़िए, साथ चलूँगा, 27 जनवरी को ले लियो, 900 रुपये थे मेरे पास, वो भी खर्च हो गए, टोटल खर्चा आएगा 2000 है मेरे पास, 1000 में तेरी ड्रेस आ जाएगी, 1400 में कुछ की है। शादी के पहले की है? ये शादी के पहले की जी, शादी से पहले गिफ्ट वगैरह वो वो सब बिल्स वगैरह है हमारे पास। तो फिर ये जब आपको पता था ऐसी लड़की पर शादी क्यों करी? सर जी वही पीछे पड़ी हुई थी शादी के भी, और जी होगी बस। अब जी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली, इसने फेक आईडी बना रखी है, जॉनी ये अपना ये पॉर्न वीडियोस भी देखती है, इसने मोना भुकल नाम से फेक आईडी बनाई थी और मेरे को कह रही है वहाँ पे पॉर्न वीडियो देख, अगले बार हम उस स्टाइल में सेक्स करेंगे। ये है जी 12/3/2019 की चैट, मैं आपको दिखा देता हूँ सर 14 पे, ये देखिए सर, जॉनी शर्मा की फेक आईडी है, वो कौन है, इस बार वैसे ही नहीं आना होटल में गोद में, ये सब तो हमारी चैट चल रही है। चलो ये छोड़ो, ये तो लंबा मामला है, ये पूरी व्हाट्सएप चैटिंग आपकी है? पूरी व्हाट्सएप चैट है सर। तो ये पुलिस सर आपको दिखा रहा हूं, पुलिस वालों के सामने रखी नहीं थी आपने चैट? थी सर, बोले 10 लाख रुपए दे दो तो छोड़ेंगे। कौन कह रहे थे? रणवीर सिंह सरोजवाला और SHO, SHO ने मारा भी जी मेरे को। कौन से SHO ने? ये अपना क्या नाम है इसका, सुनील कुमार, रणवीर ने भी मारा जी, जो आजकल सिटी में मेरे कान के पर्दे का, अभी आप मेडिकल करा लीजिए, अब तक मेरे को कम सुनाई देता है। जो ये सिटी SHO हैं, अब रिसेंटली सिटी SHO हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया? आदेश है, हम खुद FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। अब उनके किस चीज की? झूठे मुकदमे फंसाने की, वो हम इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रहे हैं कुछ दिनों में। तो कोर्ट ने क्या एक्शन लेने? कोर्ट ने जी डिपार्टमेंटल एक्शन बोल दिया जी, इनके खिलाफ पुख्ता एविडेंस थे। मेरा उंगली दिखाऊं सर मैं आपको, जो इन्होंने तोड़ी है? उंगली दिखा दो। तो वो अब अपनी पत्नी से कितने टाइम से लग रहा है? हर 6 महीने में जूता बदलना पड़ता है, साइड में से फट जाता है जी। ये देखो, ये मेरी उसने तोड़ी थी जी, रणवीर सिंह ने मेरे को कह रहा था कन्फेशन पे साइन कर दे, मैंने साइन नहीं किए थे, ब्लैंक पेपर पे साइन कराए थे जी मेरे। और जी मेरे को इनकी जान से मारने की प्लानिंग थी, मेरे को जब जेल ले जाया गया था मेरे को मोटरसाइकिल पे लेके गए थे, और उस दिन एक और भी जेल में था, उसे भी करनाल जेल जाना था, पॉस्को में था जी वो, उसे तो जीप में ले गए थे जी मेरे को वहाँ मोटरसाइकिल पर लेके गए थे नहर वाले रास्ते से जी, और लड़की वालों को सामने खड़ा कर रखा था जी, मेरी बेइज्जती की थी उन्होंने, रैली निकाल दी जी। अच्छा, लड़की वाले पहले थे? मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता था उस दिन, बाइक पे लेके गए, ऑन रिकॉर्ड है जी, अगर आप जेल में किसी को लेके जाओगे छोड़ के आओगे ऑन रिकॉर्ड होता है, कौन से व्हीकल में लेके गए, मेरे को बाइक पे क्यों लेके गए, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता था करनाल तक, करनाल तक जी, और वहाँ लड़की वाले खड़े थे नहर के पास, 100 बंदे खड़े थे जी वहाँ पे रियलिटी में। अच्छा, मतलब आ गया, मतलब फैसला आ गया उस फैसले में? मेरे घर जाके मेरे माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते थे मॉडल टाउन थाने वाले। और जी मैं एक बार गया था अपना यहाँ पे, ये DSP साहब हैं सैनी साहब, जांच चल रही थी जी 15 लाख की, ऑन रिकॉर्ड है जी, मैंने CCTV फुटेज की डिमांड की थी और मैंने उसकी कंप्लेंट भी की थी, बोला मैं नहीं करता FIR दर्ज, सारे सबूत है फिर भी नहीं करता, तेरे बस में जो हो तू करके दिखा दियो, कोर्ट से करके दिखा दे चाहे। अच्छा, फैसले से खुश हो? फैसले से जी बिल्कुल खुश हैं सर, बरी हो गया, बिल्कुल बरी कर दिया, बरी कर दिया सर। चलो त्रेन साहब से, ये रजनीश त्रेन है वकील, इनके इनसे बातचीत कर लेते हैं। 3 पुलिस खिलाफ वालों के खिलाफ एक्शन, कौन सा आपने ऐसा एविडेंस अंदर पेश किया कि एकदम बरी कर दिया जज ने? ऐसा लॉ है कि जब भी जिस अक्रस जान होगा वहीं मुकदमा दर्ज होगा, तो इसमें जैसे ही सेक्टर 29 के थानेदार साहब राजेश जी इन लड़की वालों के घर गए और उनको बताया कि दुर्गेश ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की 15 लाख मांग करने की मुकदमा की दरख्वास्त दी है, उसके बाद इसके माँ बाप ने लड़की ने पुलिस से मिलकर ये झूठी FIR थाना मालडन से मिलकर दर्ज कराई, दर्ज FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया, उसके बाद इसके फादर ने जो कि बहुत काफ़ी एज रिटायर्ड है NFL से, उन्होंने बहुत रिप्रेजेंटेशन दी SP साहब को, DCP को, सबको जाके भाई ये झूठा मुकदमा दर्ज किया जो कि थाना मालडन बनता नहीं, हमारी पहले ही कंप्लेंट उस थाने में है। फिर इन्होंने मुकदमा, किसी भी अफसर ने इस पर कोई वो नहीं की कि उस जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 35 के करीब दिए हैं
दरखास्तें अफसरों को, बड़े अफसरों को। 35 में जो हमने कोर्ट में जब सुनील कुमार SHO साहब आए तो हमने 35 की 35 SP साहब के ऑफिस से वहाँ का कांस्टेबल सम्मन करके उसके आगे रखवाई। उसने कहा कि मेरे पास तो 14 आई हैं जो मैंने डील की हैं, तो डील 14 को उसने मान लिया, 14 को हमने प्रॉपर एग्जीबिटेड डॉक्यूमेंट तैयार करके कोर्ट में लगा दिए। तो उसने कहा जी कि मैंने इनको पढ़ा ही नहीं, SHO साहब ने कहा कि मैंने नहीं पढ़ा जी क्या है, पर मेरे पास आई जरूर थी। और उन्होंने ये कहा, ये कहते मुझे पता ही नहीं कि पुलिस ने पहले भी इसके खिलाफ FIR जो राकेश दैया के कहने पर दर्ज की है, 68 नंबर है, 27/2/2021 को 383, 420, 506, 511 जो जज साहब के ऑर्डर से दर्ज हुई थी, वहाँ भी पुलिस में FIR दर्ज नहीं की थी थाना सेक्टर 39 में, वो भी कोर्ट के ऑर्डर दर्ज हुई, पर फिर भी इन्होंने पुलिस ने उस FIR को कैंसिल करने की राह पे ले आके उन मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया और इसको गिरफ्तार कर लिया। और इसमें ये रिपोर्ट करते थे कि मुलजम ने गिरफ्तार हो गया इसलिए इस केस में हम इसको दूसरी पार्टी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब इन्होंने ये FIR अपना कैंसिल कर दी है, अब इसका हमने रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में डाली है, कोर्ट में चल रहा है केस। इनको लड़की को, लड़की के माँ बाप को, जिसके मामा को, जितने 5-6 आदमी हैं उन सब के खिलाफ केस चल रहा है। और अब कोर्ट ने हमारी बात को ये माना है कि ये FIR जो थानेदार SHO ने दर्ज की है ये गलत थाने में दर्ज की गई है। और इसके ऊपर मैंने एक लेटर भी पेश किया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दी हुई है तमाम चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कि भाई ये जो अगर कहीं किसी दूसरे थाने में दर्ज होता है तो उसको 0 FIR दर्ज करके कंसर्न थाने में भेज दिया जाए। तो उसमें मैंने सरोज मैडम से ये सवाल भी किया इंस्पेक्टर से कि आपने ये जो इस थाने में क्यों नहीं भेजी, तो कहने लगी कि डिस्ट्रिक्ट में चल जाता है, डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एफ कहीं भी दर्ज कर दो। तो उसने इस कानून की अवहेलना की, उसने कानून को माना नहीं। बार बार उससे यही रिक्वेस्ट की गई कि आपने SP साहब को बताया कि ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ है, कहती मैंने SP साहब को नहीं बताया, मैंने तो SHO साहब को बता दिया था। SHO साहब को पूछा कि आपको बता दिया, आपने कोई कार्रवाई लिखी इस केस में कि ये मुकदमा हमने यहाँ क्यों दर्ज किया, बोला जी मैंने नहीं किया। फिर कोर्ट में SHO साहब आए, SHO साहब से ये पूछा गया कि ये अकरेंस कहाँ का है, तो वो कहने लगे नहीं ये अकरेंस तो अपनी एविडेंस में उन्होंने ये कहा कि अकरेंस तो गोहाना रोड का अकरेंस है, उन्होंने रॉयल होटल का नाम ही नहीं लिया कि मैंने खुद जाके वहाँ तस्दीक किया था कि ये गोहाना रोड का अकरेंस है। तो गोहाना रोड तो फाइल करता है थाना माल्टोन में और ये फाइल करता है सेक्टर 39 में, तो ये एविडेंस कोर्ट के आगे आ गई। उधर से रणबीर सिंह ने भी जो FIR दर्ज की, जो इनके बयान लिखे, क्योंकि पहले शुरू में लड़की ने ही डेट ऑफ अकरेंस गलत लिखा दिया, उसमें FIR में जो डेट लिखाई थी 11/5 लिखाई थी और उसके बाद 14/5 निकली, रॉयल होटल में 14/5 निकली। लेडीज का जो बयान है वो गलत था, FIR गलत थी। उसके बाद रणबीर ने और सरोज ने उस झूठी कंप्लेंट के ऊपर ही वही डेट पे कार्रवाई दिखाते रहे, कार्रवाई तो किसी से पूछी नहीं। मुलजम का अगर बयान लिखा तो उन्होंने वही डेट लिख दी जो लड़की ने लिखी है, जो होटल में वो डेट कोई और थी, उस डेट का डिफरेंस मिल गया। इधर से थाने का गलत हो गया, इधर से हमारी कंप्लेंट चल रही थी, प्रॉपर पैरल चल रही थी। लड़की ने हर बात मानी है कि मैं हाँ इनके साथ वृंदावन गई थी, अपनी बहन को भी लेके गई थी, अपने मामा को भी लेके गई थी और मामा की उसकी वाइफ भी गई थी और ये इकट्ठे वहाँ घूमने फिरते रहे और अपना वहाँ वृंदावन भी गए, लखनऊ भी गए, हर चीज़ को उसने एडमिट किया अपनी एविडेंस में। ये सारा जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है इसी FIR कैंसिल गलत थाने में और उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि रॉयल होटल में, वो सारी चीज़ें मैच कर गई इसी के ब्याह जज ने कोर्ट से बरी कर दी। मैच नहीं, हर लड़की का सबसे फर्स्ट तो ऐसा कोई अकरेंस का ऑफेंस का डेफिनेशन ही नहीं है। इसमें 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, 328 पॉइजन, भाई मुझे जहरीली चीज़ खिलाकर मुझे ले जाकर होटल में मेरे साथ रेप किया। ऐसी कोई एविडेंस कहीं नहीं आई कि कहीं कोई पॉइजनस चीज़ इस लड़की को दी गई हो या कोई रिपोर्ट हो या कोई फैक्ट्स हो, क्योंकि वो चीज़। उसके बाद इन्होंने 376 लगाई, 376 में भी कहीं भी कोई भी प्रेशराइज उससे रेप नहीं किया गया किसी पॉइंट पे भी। अगर उस डेट पे किया गया था तो उस लड़की ने ये FIR 6 महीने में दर्ज कराई है। अक्रेंस जो गिनोगे आप 6 महीने बाद, अक्रेंस जो है अक्रेंस के 11/5 का है, FIR वही जाकर 8वें महीने में। अगर इसके लड़की के साथ कोई रेप कमिट हुआ था तो उसी दिन इसको थाने में कंप्लेंट करती, एक्शन होता, प्रॉपर होता।
तो जब ये इसने जो 15 लाख लड़की ने मांगे, लड़की के परिवार ने मांगे, उसकी बेस्ट एविडेंस ये थी कि लड़की ने अपना व्हाट्सएप मैसेज किया लड़के को कि मुझे 15 लाख दे दो, आपके लिए 15 लाख कुछ नहीं है, 15 लाख से हमारी शादी चल जाएगी और हमारा परिवार चल जाएगा। इस बात की बिना पर वो 15 लाख ये अरेंज नहीं कर पाए। इन्होंने कंप्लेंट थाना सेक्टर 39 में दे दी, वो दी थी हमने 30/7/2019 को और ये मुकदमा दर्ज हो गया 11/8/2019 को। अभी कितने महीने अंदर रह गया है यार, और जिस दौरान ये रहा है, क्योंकि अब तो बिल्कुल बरी हो चुका है भाई, जिस बरी हुआ ये, ये अब तो उसका क्या क्या कोर्ट कोर्ट के क्या रूल्स होते हैं अभी, अगर जो 6 महीने साल ये अंदर रह क्या है। देखो जी, मेरी तो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है कि जिस केस में सिंगल लड़का और सिंगल लड़की मेजर हो और साउंड माइंड हो और इस टाइप का कोई कंप्लेंट लड़की करती है तो उस केस में ये ऑफेंस ही नहीं बनता। ये सारी झूठी कहानी लिखकर एक चीज़ लिख देते हैं, कोई कहानी नहीं, क्योंकि एक अकरेंस होता है 10 दिन पहले, FIR होती है 15 दिन पे बाद में, तो अकरेंस अकरेंस ही नहीं है। जस्ट इमीडिएट इन्फॉर्मेशन टू पुलिस, देन एक्शन, देन प्रॉम्प्ट FIR, प्रॉम्प्ट केस। ये कितने टाइम रह गया अंदर जी? ये कुछ 3 महीने से ज़्यादा रहा है जी। तो 3 महीने इसका हरजाना कौन देगा? हरजाना तो अभी तक कानून में कहीं अभी वो है ही नहीं, मतलब बंदे को बंद हो जाए 4 साल अंदर हो उसके बाद। ऐसे ऐसे केस भी हैं कि जो आप कह सकते हैं कि 6-6 साल रहे हैं और बरी हो गए हैं, उनका भी कोई हरजाना आज तक नहीं हुआ। ये तो गलत है, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। तो कानून तो है, कानून तो ये है, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए कि हर केस विद इन 6 मंथ में डिसाइड हो, तब तो अगर आदमी अंदर रहता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको 6 महीने बाद बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। तो ये पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? पुलिस वालों के खिलाफ तो अब डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगी, डिपार्टमेंट इंक्वायरी में हर चीज़ करेक्ट सबूत हैं, कोर्ट के कोर्ट में एविडेंस है, कोई ऐसा कोई पुलिस अफसर अगर इनको बचाना चाहेगा नहीं बचा पाएगा। हम भी उस पर निगाह रखेंगे। सजा क्या है? सजा इसकी तो ये अपनी सर्विस से भी जा सकते हैं, तीनों और तीनों का प्रॉपर रोल है जी। और इसके बाद हम अपना लीगल एक्शन भी अब करेंगे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। चलिए, रजनीश तरेन थे हमारे साथ, दोनों थे हमारे साथ, पूरी बातचीत है वो बताइए, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। लेकिन बड़ी अच्छी ये बात ये लगी कि लड़का मेजर हो लड़की मेजर हो उसके खिलाफ फिर ये मामले 376 के कैसे दर्ज हो जाते हैं। तो बिल्कुल जब तक पुलिस का हाथ ना हो तब तक मामला दर्ज हो ही नहीं सकता, और इस मामले में भी ऐसा हुआ। तो फिलहाल देखते हैं इस मामले में क्या फैसला आता है। वैशव पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।